अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू उर्दू इनटू इंग्लिश क्लास। आज की क्लास में हम मुस्बित जुमलों को मनफी जुमला में तब्दील करेंगे। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द पॉजिटिव सेंटेंसेस इनटू द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें क्या करना है? इंग्लिश में बहुत ही आसान है। हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हम नॉट लगाते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश में टोटल हेल्पिंग वर्ब्स 24 है, जिनके दो नाम हैं। एक है ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसी का दूसरा आसान नाम है हेल्पिंग वर्ब्स। वो टोटल इंग्लिश में 24 हेल्पिंग वर्ब्स है। वो क्या है? Am, is, are, was, were, has, have, had, do, does, did, can, could, will, would, shall, should, may, might, must, need, ought to, dare to, used to। पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हम नॉट लगाते हैं, लिहाजा इधर प्रेजेंट बी फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। उर्दू में हम कैसा कहेंगे? मैं प्रोफेसर नहीं हूं, मैं प्रोफेसर हूं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर हम इसे नहीं में तब्दील करके कहना चाह रहे हैं कि मैं प्रोफेसर नहीं हूं, ये पूरे सेंटेंसेस प्रेजेंट बी फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस है। और मेन ग्रामर मालूम करने के लिए ये क्लास में हम इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं ताकि मैं, हम, तुम, वो सब, वो मर्द, वो औरत और वो चीज के, इससे हमें पूरी की पूरी जो इंग्लिश में के सिंगुलर के साथ हम कैसा इस्तेमाल करेंगे और प्लोरल के साथ हम कैसा इस्तेमाल करेंगे, इसी तरीके से मेल और फीमेल। यहाँ पर पहला जुमला है कि मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। हम इसे अगर इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो हम इसे इंग्लिश में हम कैसा कह सकते हैं? फर्स्ट सेंटेंस, मैं प्रोफेसर नहीं हूं, आई एम नॉट ए प्रोफेसर। हमेशा उर्दू हो के जो है इंग्लिश लैंग्वेज हो, हमेशा सेंटेंस के बाद हमें फुल स्टॉप देना है। पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस के बाद हमें फुल स्टॉप जो है देना चाहिए। सेकंड सेंटेंस है, हम प्रोफेसर नहीं हैं। इसे हम इंग्लिश में कैसा कह सकते हैं? वी आर नॉट प्रोफेसर्स। सिंपल इंग्लिश का एक फायदा यह है कि अगर वहां पर एक आई का मतलब मैं, एक ही मतलब होता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में उस वर्ड से पहले हमें ए इस्तेमाल करना चाहिए। ये वर्ड को देखेंगे, अगर यहाँ पर कोई कंसोनेंट लेटर है तो हम ए इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई वावेल लेटर से शुरू हो रहा है तो हम यहाँ एन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर प्रोफेसर क्योंकि हम वी एक से ज्यादा हम जमा ले रहे हैं, वी आर नॉट प्रोफेसर्स के लास्ट प्रोफेसर के आखिर में एस लगाएंगे। अगर हम एस नहीं लगा रहे हैं तो इसे हम सिंगुलर कहेंगे, जिसे उर्दू में कहेंगे हम वाहिद। और अगर एक से जायद है तो हम उसे जो है हम जमा में लेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में एक अगर है तो उसे हम वाहिद कहेंगे, एक से जायद ख्वाह वो दो क्यों ना हो, अगर एक से जायद है तो हम उसे जमा में शुमार करेंगे, प्लोरल में। इंग्लिश में सिर्फ दो ही है, एक को हम कहेंगे सिंगुलर, एक से ज्यादा मोर देन वन
इज कॉल्ड द प्लोरल, तो उसके बाद हम जो है एस लगाएंगे। हम यहां पर तुम, अब उर्दू के लिहाज से अदब से अगर हम किसी को हम आप भी कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या आएगा वो यू, यू आर नॉट ए प्रोफेसर। उर्दू में हम आपके लिए भी यू कहेंगे, तू के लिए भी हम यू कहेंगे, तुम के लिए भी हम यू कहेंगे। अब रही बात यह कि अगर इसी सेंटेंस को हम प्लोरल में बोलना चाह रहे हैं कि तुम सब एक से ज्यादा अगर है तो यहां पर हम प्रोफेसर्स एस लगाएंगे कि क्योंकि यू इज ए कॉमन वर्ड, यू हम एक के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और यू हम जमा के लिए भी प्लोरल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहचानने का तरीका क्या है, अगर यू के बाद अगर हम ए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम एक को जो है हम कह रहे हैं, अगर हम ए नहीं इस्तेमाल करकर हम इसके बाद एस लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये प्लोरल के लिए है। तो लिहाजा इस सेंटेंस में हम सिंगुलर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह से पहचाने हम कि वर्ड से पहले हम यहां पर हम ए लगाए हैं। दूसरा सेंटेंस, वो सब प्रोफेसर्स हैं, they are not professors, वो सब प्रोफेसर्स नहीं हैं, एक से ज्यादा, मोर देन वन इज कॉल्ड द प्लूरल, वो सब प्रोफेसर्स नहीं हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वो प्रोफेसर नहीं है, इसका मतलब वो आदमी, ही इज नॉट ए प्रोफेसर, वो प्रोफेसर नहीं है। उर्दू के लिहाज से हम वो प्रोफेसर अभी हम जो है कह सकते हैं। बहरहाल यहां इस सेंटेंस में हम वो से मुराद वो औरत, वो प्रोफेसर नहीं है, शी इज नॉट ए प्रोफेसर। अब यहां पर वो आदमी के लिए अगर हम कह रहे हैं तो ही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अगर औरत के लिए कह रहे हैं तो हम जो है शी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहां पर वो इट, लिहाजा हम यहां पर हम इट, इट इज नॉट ए प्रोफेसर, शी इज नॉट ए प्रोफेसर नहीं कह सकते हैं। इट जो है किसी चीज के लिए, कोई एनिमल, कोई थिंग्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा अब यहां पर प्रोफेसर कहने के बजाय हम कोई भी चीज हम कह सकते हैं। यहां पर क्या है, वो यूनिवर्सिटी नहीं है, इट इज नॉट ए यूनिवर्सिटी। यहां पर से कंफ्यूज होने के लिए कि यहां पर तो जो है वॉवेल लेटर है, इंग्लिश में वॉवेल लेटर्स क्या है, ए ई आई ओ यू, के वर्ड वॉवेल लेटर से जो शुरू हो रहा है, होना ये चाहिए कि यहां पर हम एन इस्तेमाल करें, लेकिन आवाज हम जो निकाल रहे हैं यू का मतलब है कि हम वाई की आवाज को जो ये इस तरह से हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी यू के, तो लिहाजा ये यू जो है ये कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसीलिए हम इनसे पहले यूनिवर्सिटी वर्ड से पहले हम ए इस्तेमाल कर रहे हैं, साउंड को जो है देखा जाएगा, लिहाजा यहां पर हम ए यूनिवर्सिटी कह रहे हैं। तो मुख्तसर ये इसका ट्रांसलेशन कैसा हो रहा है, मैं प्रोफेसर नहीं हूं, आई एम नॉट ए प्रोफेसर, हम प्रोफेसर नहीं है, वी आर नॉट प्रोफेसर्स, तुम प्रोफेसर नहीं हो, यू आर नॉट ए प्रोफेसर, वो सब प्रोफेसर्स नहीं है, दे आर नॉट प्रोफेसर्स, वो प्रोफेसर नहीं है, ही इज नॉट ए प्रोफेसर, वो प्रोफेसर नहीं है, शी इज नॉट ए प्रोफेसर, वो यूनिवर्सिटी नहीं है, इट इज नॉट ए यूनिवर्सिटी। थैंक यू।